और मैं नहाती सबसे पहले सुबह उठकर नहाती, नहाने के बाद उस किताब को देखती थी, उस किताब को देखने की वजह से मेरी बीमारी पूर्ण हो गई, मेरे बच्चों की बीमारी पूर्ण हो गई, मेरे काम चलने लगे और अब मुझे पता चल रही है ये कुरान ये हमारी देखने की बरकत है। और ये जो कलाम है अल्लाह का कलाम है इसमें भी बरकत है। अल्लाह के नाम का एक मुझे हिस्सा बताओ आपको कि जब ये तातारियों ने हमला किया, एक जगह है दरबंद के नाम से, तातारियों ने हमला किया, पूरा कब्जा शहर शहर पे पूरा कब्जा कर लिया। अब वहां सारा इलाका मुसलमान कमजोर से छोड़ के जा सकती। तातारी जब अंदर दाखिल हुए तो वो बड़े खुश, देखो हमारे डर से सारा इलाका खाली कर दिया, इतना बहुत दबदबा। लेकिन एक बुढ़े शख्स जिनका नाम अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मस्जिद में बैठे हुए थे, लोगों ने पूछा वो जब बताया शहजादे को, एक बुढ़ा शख्स है वो मस्जिद के अंदर है, शहजादे कहा उसके हाथ में घड़िया डालकर लाओ, गिरफ्तार करके लाओ, लाके शहजादे के सामने खड़ा कर दिया। और शहजादे ने पूछा सब जा चुके को बोले गया, तो हजरत अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि ये मुझे मालूम है सब जा चुके हैं, मैं भी अपना घर छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं मस्जिद में जाकर बैठ गया क्योंकि मुझे वहां से कोई नहीं निकाल सकता था, मुझे वो अल्लाह का मेरे शहजादे ने कहा मुझे मालूम है किससे बात कर रहा है, उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है वो शहजादा है। उसने कहा कि आप बता तुझे कौन बता बचाएगा, मुझे बचाने वाला कौन है, उन्होंने कहा मुझे बचाने वाला अल्लाह है, बस अल्लाह का नाम लेना था कि उनके हाथों की गेड़िया टूट गई गिर गई। उसको कठोर तारीफ हुआ शहजादे के और शहजादे ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद रोजा का रात को हजरत के दरबार में हाजिर होता फिर और वो मुसलमान हुआ। हजरत शेख दरबंदी रहमतुल्लाह ने कहा कि अपने मुसलमान होने का इजहार अभी नहीं करना, वरना तुम्हारे भाई जो है दूसरे को तुम्हें मार देंगे, तो अभी तो दवाई रखूंगा आपको। मुसलमान हो गया 30 साल बाद तारीफ लिखी है, 30 साल बाद वो जब बादशाह बना है उसने अपने मुसलमान होने का इजहार किया, उसका मुसलमान होने का इजहार था कि सारे मुल्क ने कलमा पढ़ लिया, क्या किया था रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के नाम की बरकत है और जहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए उसमें कितनी बरकत होगी। तो इस बात को यकीनी तौर से जानती है और मानती है और यकीनी तौर से कि कुरान जहाँ पढ़ा गया है, जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, सात और जमीन से लेकर आसमान तक वो जगह नूर से भर जाती है, और जहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाता है और इसके चार से गिर देते हैं, इस बात को यकीन तौर से जान कर बैठे कि इस वक्त हमें फरिश्तों ने घेर रखा है और फरिश्तों की तादाद लगती लगती आसमान तक जा चुकी है। फिर अल्लाह जल्ल जलालहु जो कि सब जानने वाले हैं, जानने के बावजूद समझते हैं कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कर देते हैं। तो हमें इस बात को यकीन तौर से मान कर रखना है कि मजलिस के बाद अल्लाह हमारे गुनाह की मगफरत कर देगा और अल्लाह ने कर दी है। और दूसरी बात अभी एक तरावी बनाने का मुकम्मल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर नेक अमल के बाद दो काम कर लिए जाए, एक अल्लाह का शुक्र और दूसरा इस्तग़फ़ार। अल्लाह का शुक्र करने से कोई उसके अंदर जो बरकत हो जाती है, यानी अल्लाह शुक्र किया है उसमें नेमत में इजाफा हो जाता है, और इस्तग़फ़ार करने से जो अमल किया है उसमें कोई कमी कोताही हो जाए अल्लाह जल्ल जलालहू अमर वालू उसको माफ करवा देता है। तो हमसे जो जो गलतियां हुई है अल्लाह जल्ल जलालहू अमर वालू इस्तग़फ़ार की बरकत से वो माफ कर देगा। इसके लिए हमें अभी अल्लाह से मांगेंगे इंशाल्लाह अभी को, लेकिन अभी यह कुरान का पूरा हुआ है, एक सुन्नत अदा हुई है, दूसरी सुन्नत अभी बाकी है, यानी पूरे रमजान तरावीह का पढ़ना ये अलग सुन्नत है, अभी सुन्नत पूरी हुई है, जैसी भी हुई है अल्लाह उसको माफ फरमाए और उसको कबूल फरमाए। दूसरी सुन्नत अभी बाकी है पूरे रमजान तरावीह के पढ़ने की, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मौके अता फरमाए और हमारी सारी इबादत को रोजे को और तमाम जिक्र अज़कार को और कुरान को पढ़ने को सुनने को कबूल फरमाए। वाकुल दावा नाहि हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।